पहले हज पे जाने पे विरोध क्यों हो रहा है, ये समझते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ का विरोध कर रहे हैं या आप मोदी का विरोध कर रहे हैं? पर मोदी जी ने मन की बात में भी इस बात को कहा है कि मुस्लिम वेमेन कैन ट्रेवल फॉर हज विदाउट मेल गार्जियन। ऐसा है ना कि अब कल सऊदी अरब में वहाँ पर मुस्लिम लेडीज गाड़ियाँ चलाएंगे तो प्रधानमंत्री बोलेंगे देखो भैया मेरे बोलने पर गाड़ियाँ चला रहे हैं। ये क्या बात है, ये रेगुलेशन सऊदी हज अथॉरिटीज ने बरसों पहले पास किया जिसमें इस बात की इजाज़त दी गई कि जो 45 साल की उम्र से ज़्यादा जो महिलाएं हैं वो खुद हज को जा सकती ग्रुप की शक्ल में, और इसमें मलेशिया, इंडोनेशिया, कई अरब कंट्रीज़ अपने अपने कंट्री से जो 45 इयर्स के ऊपर की लेडीज़ हैं उस पर जा रही हैं। ये प्रोविज़न पहले से है। अब आकर प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि मैं क्रेडिट लें, उनको आदत हो चुकी है हर चीज़ क्रेडिट लेने की। अल्लाह का शुक्र है कि चार मीनार ताजमहल बन गया, वरना वो बोलते मैं ही बनाया। ये क्या पॉलिटिकल पॉइंट्स स्कोर करने के लिए बोल रहे हैं या फिर इनको नहीं, नहीं? अगर आपको इतनी फिक्र है मुस्लिम महिलाओं की तो आप ज़किया जाफरी से इंसाफ कर दीजिए, आप 7% रिजर्वेशन से मुस्लिम महिलाओं को दीजिए, एजुकेशन दे दीजिए ना, इससे खत्म हो जाएगा ये सब। ये टोकन क्या है, ये जो आप नहीं करे उसका भी आप अपने नाम पे ले रहे। तो असल मसला मुस्लिम महिलाओं का एजुकेशन का, रोजगार का है। आपके पास तो 2/3 मेजॉरिटी है, आप बुलडोज कर दीजिए, एक बिल को लाइए, बोलिए कि मैं 7% रिजर्वेशन एजुकेशन दूंगा मुस्लिम खवातीन को, वो नहीं करेंगे। एक मुस्लिम खवातीन को टिकट नहीं देते गुजरात में, आप मुस्लिम छोड़ो मुस्लिम को भी नहीं दिए। अब ये हर चीज़ में क्रेडिट लेना कहाँ तक, इन्हें एक प्राइम मिनिस्टर एक बड़ा होता है। हम प्राइम मिनिस्टर को ये रिक्वेस्ट करेंगे, सर अगर आपको जो लोग इन्फॉर्मेशन दे रहे या तो गलत दे रहे या फिर आपको एक आदत हो चुकी है हर चीज़ से क्रेडिट लेने की। प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि एटलीस्ट मुस्लिम वुमेन फ्री फ्रॉम ट्रिपल तलाक, क्या हम प्रधानमंत्री से बड़ी इज्जत के साथ कह रहे हैं कि इस मुल्क में सबसे बड़ा मसला ख्वातीन का, लेडीज का, मैरिड वुमेन का अबैंडन हो चुके हैं 24 लाख, जिसमें 20 लाख के करीब हमारी हिंदू बहनें हैं, 2 लाख मुसलमान हैं, 90,000 क्रिश्चियन हैं। हम प्रधानमंत्री से प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो जो औरतें शादीशुदा हैं वो अपने हस्बैंड के साथ घर में रहें, वो क्यों गुजरात में रहें, दिल्ली में रहें, कहाँ भी रहें उनके हस्बैंड के साथ रहें, आप उसका कानून बनाइए ना, उनका कानून बना, क्योंकि ये जो अबैंडनमेंट है मैरिड वुमेन का इंडिया में वो डबल द डिवोर्स रेट है। और हम ये भी कहें, दोबारा मैं कह रहा हूँ कि ये अगर बिल लॉ बनेगा तो इससे नाइंसाफी सबसे ज़्यादा मुस्लिम खवातीन से होगी, कंप्लेन पे तो जेल चला जाएगा और अबैंडनमेंट ज़्यादा होगा मुस्लिम लेडीज का, इंसाफ नहीं होगा, नाइंसाफी होगी। और जब ये कैसा बिल बनाए हैं कि सेक्शन 3 बोलता है कि शादी टूटेगी नहीं, सेक्शन 4 में सजा दे रहे हैं उसको। इस्लाम में शादी एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है और सिविल कॉन्ट्रैक्ट दुनिया में कहीं पर भी क्रिमिनल सजा नहीं देते आप, और फिर बार बार बीजेपी झूठ बोल रही है कि मुस्लिम कंट्रीज में, अरे मुस्लिम कंट्रीज में कहीं पर भी पीनल प्रोविजन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा कि क्रिमिनल लॉ बनाओ आप, ये काम कर रहे हैं, ये उससे नुकसान होने वाला है मुस्लिम खवातीन को। और आप आगे जाके देखेंगे इनका असल मकसद क्या है कि जितने फॉर्म्स ऑफ तलाक हैं वो पूरा छीन लिया जाए। पैराग्राफ 77 में जजमेंट में खुद गवर्नमेंट ने बात कही है कि आप हर फॉर्म ऑफ तलाक को निकाल दो। आज आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मकसद एक ही है कि शरीयत और पर्सनल लॉ मुसलमानों से छीन लिया जाए, यही इनका असली एजेंडा। सर मुस्लिम बॉडीज अगर जैसे लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पास हो जाता है तो मुस्लिम बॉडीज सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे इसके नहीं, इसका मैं नहीं बता सकता, ये तो पर्सनल लॉ बोर्ड के ऑफिस बेयरर्स ही आप भी मेंबर हैं सर, और मैं ऑफिस बेयरर की आवाज है। नहीं, मैं ऑफिस बेयरर नहीं हूँ, वो क्या डिसाइड करेंगे वो पर्सनल लॉ बोर्ड से पूछना पड़ेगा। मतलब आपकी राय, मतलब नहीं, मैं अभी पार्लियामेंट में आपकी